अस्सलाम वालेकुम। आज जिंगी पॉकेट बना रही हूँ, जिसके लिए देखिए मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड लिए और इसको चार हिस्सों में काट के देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले अब ये देखिए पनीर को मैंने लंबाई में काट लिया है। अब सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये चाट मसाला लिया है, इसमें भी नमक है और ये सॉल्ट मैंने बहुत कम लिया है और ये मिर्ची मैंने चिल्ली पाउडर जो मैंने लिया है तो ये भी 1/2 टीस्पून से कम है। तो इन तमाम चीज़ों को मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने प्लेन फ्लावर लिया है और 3 टेबल स्पून लिया है और 2 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्न फ्लावर लिया है, ये कॉर्न फ्लावर है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से पहले, और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये ब्लैक पेपर मैंने इतनी ली है और इसके साथ ही ये देखिए ये सॉल्ट है, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून से कम लिया है। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए अब सबसे पहले ये जो मैंने फ्लावर को इसको फेंट लिया था, अब ये ब्रेड क्रम्ब में अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेते हैं और इसको इस तरह से रखते जाते हैं। बाकी के भी सारे इसी तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए तो बाकी के भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। देखिए ये सब लगा लिए, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं, टाइम नहीं लगता है इसमें। जब से देखिए वो फ्राई हो रहे हैं तो इसको भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कैबेज ली है मैंने और एक छोटी ली है, बहुत छोटी कैबेज ली थी मैंने। और ये देखिए मैंने गाजरें ली थी, 3 गाजरें ली थी ये इसमें, और क्यूकुम्बर लिया था, ये 2 लिए थे। इनको भी कद्दूकश करके इन सारी चीज़ों को जो है इनका सारा पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है। ये देखिए मायनीज है तो ये इसमें कम से कम 3 भर भर के मैं इसमें ये देखिए डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए अब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको भी अब पलट देते हैं। ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और 1 टेबल स्पून और भर के मैंने मायनीज और लिया। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये भी अब तैयारी हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। चलिए अब सारे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये टमाटर केचप है, ये भी मैंने लिया है और ये सबसे पहले इसमें हर तरफ मैं लगा दूंगी। अब इसके साथ ही ये जो मैंने बनाई थी कैबेज, ये भी इसी में, ये और इसी के साथ ही अब ये पनीर। पनीर और थोड़ा सा टमाटर केचप इसी तरह। तो चलिए बाकी के भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने इस तरह से तैयार कर दिया है। वैसे तो इसको इसी तरह से खाते हैं लेकिन मुझे ये हल्की सी सेक के खाने में बहुत अच्छी लगती है तो मैं इसको हल्का सा सेक रही हूँ। देखिए बहुत ही कम ऑयल मैंने पैन में डाला है, अब मैं इसको रख दूँगी। 2 को मैं एक बार में सेकूँगी और सेक के बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसको मैंने मुश्किल से 1 मिनट सेका है और ये बहुत अच्छा सेक चुका है। ये देखिए ये यहाँ से, ये देखिए अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा सिक चुका है और क्रंची हो गया है। तो बस 1 मिनट से कम टाइम लगा है, अब इसको सेक के बाकी के भी मैं इसी तरह से सेक लेती हूँ। लीजिए जिंगी पॉकेट तैयार है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।